नमस्कार सभी ईपीएफओ खाताधारकों का ईएसआईसी सब्सक्राइबर का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में ईपीएफओ ईएसआईसी द्वारा जो महत्वपूर्ण जानकारी सभी के लिए साझा की है, तो इसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जी दोस्तों, यह जो जानकारी आपके लिए ईपीएफओ द्वारा दी गई है, तो इसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह जानकारी केवल आपके लिए है और इससे जो है वो केवल आपको ही फायदा हो सकता है। तो जी दोस्तों, अभी हम सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन है और इसके लिए ईपीएफओ द्वारा बहुत सारी सुविधाएं जो है वो उनके सब्सक्राइबर को दी गई है। जैसा कि अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करवानी है, तो आप जो है वो केवल आपका आधार अपडेट करके जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉयर के लिए भी सुविधा दी गई है, वो अपना डीएससी का जो रजिस्ट्रेशन है तो उसे ईमेल के जरिए भी एक्टिवेट करवा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर कर्मचारियों के लिए अपने पीएफ खाते से 3 महीने की राशि या फिर पीएफ में जमा 75% राशि जो है वो निकालने की सुविधा भी दी गई है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ऐसी कुछ जानकारियां ईपीएफओ के सब्सक्राइबर के लिए यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा दी गई है और साथ में ईएसआईसी की जो सब्सक्राइबर है तो उनके लिए भी दी गई है। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि इस जानकारी के बारे में आप सभी को पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त ना गवाते हुए इस जानकारी को जानते हैं, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने लिंक देके रखा है, और अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 300 रुपए का फ्लिपकार्ट वाउचर भी मिलेगा। तो जल्दी कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कैसे करना है तो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ईपीएफओ ईएसआईसी ने ये जो जरूरी सूचना यहाँ पर जारी की है तो उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ईपीएफओ ईएसआईसी ने जारी की है PKGKY UAN पीएफ अकाउंट बैंक अकाउंट संबंधी ये जरूरी सूचनाएं, अपने स्टेटस चेक करें। तो ये दोस्तों, यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और ईएसआईसी ने देश के लाखों खाताधारकों के लिए, सदस्यों के लिए, कर्मचारियों के लिए कुछ जरूरी सूचनाएं जारी की है। यह सूचना पीएफ खाता का क्लेम यूनिवर्सल अकाउंट नंबर PMGKY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बैंक खाते आदि को लेकर है। इसमें बताया गया है कि गलतियों को कैसे दुरुस्त करना है और सरकारी योजनाओं का लाभ किस प्रकार से लेना है। तो यह दोस्तों, इनमें से आप कोई भी सेवा लेते हैं तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपको पता चल सके कि आपको जो है वो आपका स्टेटस जो है वो किस तरह से चेक करना है। ईएसआईसी ने कर्मचारियों को अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बड़ी राहत दी है। इसके तहत बीमाकृत व्यक्ति के बेरोजगार होने की स्थिति में और नए रोजगार की तलाश के दौरान नगद राशि का सीधे बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा। इसके लिए बेरोजगारी के पूर्व 2 वर्षों अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान किया गया हो, यह जरूरी है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो बड़ी योजना ईएसआईसी के अंतर्गत चलाई जा रही है, तो इसके तहत अगर किसी कर्मचारी की नौकरी छूट जाती है तो उसे 24 महीने के लिए जो है वो नगद राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। आगे यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। अपने नाम के साथ चेक लिप की अनुपलब्धता के मामले में आप पासबुक पेज की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड कर सकते हैं, जिसमें सदस्य का नाम, बैंक खाता और IFSC कोड जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो। COVID-19 महामारी के प्रावधान के अंतर्गत किए जा रहे पीएफ राशि निकासी क्लेम के लिए ईपीएफ जमा क्रेडिट के लिए तुरंत बैंक खाता संख्या और IFSC अपडेट करें। तो जी दोस्तों, अगर आपका जो UAN है वो करेंट बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं है तो उसे जो है वो तुरंत लिंक करें। इसके लिए ईपीएफओ द्वारा ऑनलाइन सुविधाएं जो है वो दी गई है। यदि आपने सभी विवरणों को पूरी तरह से जांच लिया है और उन्हें सही नहीं पाया है तो आप यहाँ पर EPF IGMS पर अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं और वहाँ पर आप उसकी स्थिति भी चेक कर सकते हैं। इस बीच आप ईपीएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो उसके ऊपर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए है तो उन कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समक्ष प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि अस्पताल से चिकित्सा सिवाय जहाँ पहले चिकित्सा सेवाओं को देखते हुए को फिर से शुरू किया गया था, वे 5 मई 2020 तक फिर से शुरू कर सकते है। चिकित्सा हित लाभ कार्ड की वैधता समाप्त होने पर भी लाभार्थियों को मिलेगा इलाज का पूरा लाभ। तो यह दोस्तों, यहाँ पर जो
ईएसआईसी के कार्ड है तो उसकी अगर आपकी वैलिडिटी खत्म हो गई है तो उसके बाद भी आपको इसका फायदा जो है वो मिलता रहेगा। यदि आपके यूएन खाते में बैंक की जानकारी गलत है तो इसे आप जो है वो किस तरह से सही कर सकते हैं तो इसके बारे में भी जानकारी ईपीएफओ द्वारा प्रोवाइड की गई है। ईपीएफओ कोविड 19 से लड़ने में मदद के लिए 3 कार्य दिवस के भीतर प्राथमिकता पर कोविड 19 के एडवांस क्लेम का निपटारण कर रहा है। कृपया हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम सभी बाधाओं के बावजूद आपकी सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो जी हां दोस्तों, यहां पर ईपीएफओ द्वारा ये जो बड़ी अपडेट है तो वो दी गई है। आगे यहां पर ईपीएफओ से संबंधित कोई भी सवाल हो, जानकारी लेना हो तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट है तो इस पर सीधा संपर्क कर सकते हैं। वहां आपको नई सूचनाएं के बारे में अपडेटेड जानकारी भी मिलेगी और आपके लाभ के दायरे में आने वाली योजनाओं को भी आप चेक कर सकेंगे। तो यह दोस्तों, यहां पर ईएसआईसी द्वारा ये भी जानकारी दी गई है कि कामगारों को अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी की यहाँ पर नौकरी चली जाती है तो 24 महीनों के लिए उसे जो है वो नगद राशि का भुगतान जो है वो किया जाएगा। तो यह दोस्तों, ईएसआईसी द्वारा ये जो अभी अपडेट है तो इसके बारे में यहाँ पर एक डिटेल अपडेट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है ईएसआईसी अंशदान फाइल करने की समय सीमा में विस्तार। तो जी दोस्तों, एम्प्लॉयर द्वारा जो ईएसआईसी का अंशदान दिया जाता है तो उसका भी विस्तार यहाँ पर किया गया है। उसके बाद यहाँ पर ईपीएफओ खाता धारकों के लिए ईपीएफओ द्वारा एक बड़ी जानकारी दी गई है जिसमें अगर आपके यूएन में आपका बैंक अकाउंट नंबर गलत है तो उसे आप किस तरह से सही कर सकते हैं तो वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो इसके तहत आपको सबसे पहले यूएन में लॉगिन करना होगा। उसके बाद यूएन में लॉगिन करने के बाद आपको जो केवाईसी का ऑप्शन है उस पर सिलेक्ट करके बैंक अकाउंट जो है वो वहाँ पर अपडेट करवाना होगा। जो आपका सही बैंक अकाउंट नंबर है वो डालना होगा, आपका आईएफएससी कोड वहाँ पर डालना होगा और उसे जो है वो सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद जैसे ही आपका एम्प्लॉयर इसे अपडेट करेगा तो आपका सही बैंक अकाउंट नंबर आपके यूएन में अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर यूएन में कौन कौन सी सेवाएं का लाभ आप उठा सकते हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा जानकारी दी गई है। तो यूएन में लॉगिन करने के बाद आप ऑनलाइन क्लेम सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर कर सकते हैं, पीएफ का क्लेम जो है उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर यूएन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ई पासबुक जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो कर्मचारी अनएग्जेम्प्टेड से एग्जेम्प्टेड में ट्रांसफर हुए हैं तो ऐसे कर्मचारियों का एनेक्सर के भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं, ई नॉमिनेशन वहां पर अपडेट करवा सकते हैं, एग्जिट डेट अब कर्मचारी खुद ही अपना मार्क करवा सकते हैं। तो यहां पर जो ईपीएफओ द्वारा ये जो जानकारी है तो ये ईपीएफओ खाता धारकों के लिए यहाँ पर जारी की गई है। उसके बाद ईपीएफओ द्वारा कहा गया है कि आपके यूएन के साथ अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर गलत है तो ऐसे में आपके पीएफ अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने में दिक्कत होगी और आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। उसके बाद ईपीएफओ द्वारा खाता धारकों को अलर्ट करते हुए कहा गया है कि ईपीएफओ नेवर आस्क फॉर पर्सनल डिटेल लाइक आधार नंबर, यूएन नंबर, पैन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर एक्सेट्रा ओवर फोन कॉल और सोशल मीडिया और टू डिपॉजिट एनी अमाउंट इन द बैंक। तो यह दोस्तों, यहाँ पर ईपीएफओ खाता धारकों को अलर्ट भी किया गया है। तो इसके लिए यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा ये सारी जानकारी जो है वो ट्वीट करके दी गई है। तो जी दोस्तों, ईपीएफओ द्वारा ईएसआईसी द्वारा ये जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ ईपीएफओ खाता धारकों के लिए दी गई है तो उसी के बारे में अभी हमने इस वीडियो में जानकारी ली। वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने लिंक दे के रखा है और अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 300 रुपए का फ्लिपकार्ट वाउचर भी मिलेगा। तो जल्दी कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कैसे करना है तो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।